नमस्कार भक्तों, प्रभु की कृपया में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं। माना ये भी जाता है कि कोई ना कोई शुभ समय होता है, यही कारण है कि मुहूर्त निकलवाया जाता है। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त को लाभकारी बताया गया है। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि, जिसे हम सब कह सकते हैं ज्ञान को समझने के लिए सही समय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ऐसी तालिका जिसमें खगोलीय आधार पर दिन के 24 घंटों की दशा को दर्शाया गया है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात के 30वें भाग को मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सुबह के 4:24 से 5:12 के मध्य के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जातक को बुद्धि बल, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुरुओं की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पाठ भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ऐसे समय में शहर की सफाई निषेध है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिससे मस्तिष्क में अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहती है। और जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं या किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में अधिक दिनों तक बनी रहती है और हमारी याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं आपका अपना समय। इस अपने समय में करें ये 5 चीज़ें जो आपको संतुलित करने में मदद करेगी और आपको एक नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएगी। पहला है ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करके आप खुद से मिल सकते हैं। ये वो समय है जब आपकी सजगता का स्तर सबसे ऊंचा होता है, और सर्वश्रेष्ठ समय यही समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो एक सहज समाधि ध्यान है। दूसरा है ज्ञान पढ़े या सुने, किताबों को पढ़े। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान है और ज्ञान का अनुभव कराने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। इस समय में आप अपनी किताबें पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़ने वाली चीज़ें इस टाइम आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है योजना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है,
वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या और कुछ हो, कुछ भी हो सकता है, आप इस समय अपनी योजना बना सकते हैं, जिसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है। चौथा है आत्मनिरीक्षणी करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं में आपने कितनी बार याद किया। इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में ना डूबने दें, बस उन छड़ों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अतः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। पांचवा है अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता। मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें, उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये थी पांच चीज़ें, आप इन पांच चीज़ों को करिए और अपने लाइफ को और शांतिमय बनाइए। तो चलिए हम आपको ये भी बता दें कि किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी भोजन ना करें, तनावपूर्ण गतिविधियां ना करें, ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए बहुत मानसिक कार्य की आवश्यकता हो, ऐसा करने से किसी की उम्र कम हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक विचारों को भी मन में नहीं लाना चाहिए। तो ये था ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना विशेष क्यों होता है हम सबके लिए। तो आप भी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और कीजिए अपने सपनों को साकार। नमस्कार भक्तों।